रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ शहर तथा आसपास के 3 क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लिया। वहीं क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों से सीधे बातचीत कर सही समय पर भोजन व्यवस्था, साफ सफाई व पीने का पानी तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी भी लिया। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कल रायगढ़ शहर तथा आसपास के 3 क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत राज्य के बाहर से आने वाले ग्रामीण श्रमिकों तथा अन्य प्रवासी व्यक्तियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। कलेक्टर श्री सिंह सर्वप्रथम रायगढ़ शहर के केवड़ाबाड़ी स्थित शासकीय प्री मैट्रिक छात्रावास पहुँचे। वहाँ कुल 20 व्यक्ति वर्तमान में रुके हुए हैं, जिनमें सभी के सैंपल जांच हेतु लिए जा चुके हैं। कलेक्टर ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों महिलाओं से सीधे बातचीत कर वहाँ सही समय पर भोजन व्यवस्था, साफ सफाई, पीने का पानी तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के द्वारा राज्य के बाहर जाकर कौन कौन से कार्य किए जा रहे थे, इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों का सिकल मैपिंग कर सभी की जानकारी एकत्र करने के निर्देश संबंधित नोडल अधिकारियों को दिए, ताकि इन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय प्राथमिक शाला खैरपुर और शासकीय प्राथमिक शाला चिराई पाली में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन क्वारंटाइन सेंटरों में दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, नेपानगर, मध्य प्रदेश, दरभंगा, बिहार तथा झारखंड राज्यों से आए व्यक्तियों को रखा गया है। क्वारंटाइन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत CO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, SDM युगल किशोर उर्वशा एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।